Hello everyone, welcome back to our channel that is Chemistry by Saloni Singh. So let me tell you my dear students, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा important और special है. जानते हैं आप भी कि अगर किसी ने IP या PE लिया है तो उसके लिए गिन के 20 दिन अच्छे से प्रिपरेशन के लिए बचे हैं या फिर रिवीजन के लिए बचे हैं. तो मैंने आपके रिवीजन को इजी बनाने के लिए जितनी भी NCERT के मैकेनिज्म है साथ में कंपाइल करके इस वीडियो में डाला है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए. जो आपको हर रिएक्शन के मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, जो NCERT पे ऊपर मार्क्ड है एज अ मैकेनिज्म, उन्हीं मैकेनिज्म्स को पिक किया है मैंने और वही आते हैं एज अ मैकेनिज्म फॉर 3 मार्क्स. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, SN1 और SN2 का मैकेनिज्म नहीं लिया क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 सेपरेट वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो आज के वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए क्योंकि ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा. सारे मैकेनिज्म एक जगह पे कंपाइल्ड हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं. अगर आप वो समझ लेते हैं तो आप बुक से जब चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप SN1 और SN2 का वीडियो देख लीजिए. वो दोनों मैकेनिज्म क्योंकि NCERT में दी हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर से सिर्फ 2 मैकेनिज्म. उसके बाद आ जाते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में. अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो मोस्ट कॉमनली आस्ड मैकेनिज्म है वो है ये, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. द टर्म, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है. एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यानी एसिड एज अ कैटलिस्ट यू आर यूजिंग एंड यू आर एडिंग वाटर इन इट. ओके चलिए रिएक्शन होगा कैसे. आपने ये सिंपल अल्कीन लिया है, वाटर लिया है, एसिड इज योर कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. सिंपल एच और OH ऐड करना है क्योंकि हाइड्रेशन है तो वाटर को ऐड करेंगे तो अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल. ठीक है, जब ये आपका C डबल बॉन्ड C वाला जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपका अल्कीन एसिमेट्रिकल है यानी कि C डबल बॉन्ड C के इस साइड पे और इस साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है तो H2O ऐड करने के बाद आप प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकोव रूल जो कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जो भी आपका यहाँ पे रीएजेंट है H2O, इस H2O के दो हिस्से होंगे H+ और OH-, करेक्ट. ओके, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इट विल गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कौन कौन से हैं, एक तो ये C है और एक ये C है. ठीक है, इन दोनों के पास हाइड्रोजन कितना है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है. तो नेगेटिव पार्ट जो होगा वाटर का वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन है और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो यहाँ पे देखिए, आई विल राइट द प्रोडक्ट, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3. यस, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. अब इस रिएक्शन का हमें लिखना है मैकेनिज्म. चलिए देखते हैं मैकेनिज्म लिखने के लिए 3 स्टेप में हेडिंग क्या डालेंगे. यूजुअली हर मैकेनिज्म का एक चीज़ कॉमन होता है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. अब क्या किसका प्रोटोनेशन करना है, अल्कीन. प्रोटोनेशन यानी कि आप H+ ऐड करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, वाटर, और एसिड कैटलाइज रिएक्शन है तो H2O को H+ से ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, H3O+. ठीक है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो आपने पहले प्रोटोनेशन करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया. H3O+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. अब ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा आपके अल्कीन पे यानी C डबल बॉन्ड C पे, है ना. इसका ये देखिए पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक करती हूँ, एक इधर जाएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना. ओके, और फिर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल आपका H3O+ है तो उसे आप खोल के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है. ओके, किसी को स्पीड स्लो या ज़्यादा लगती है, स्लो या फास्ट लगती है तो वो यूट्यूब पे आप जो वीडियो लेक्चर्स की स्पीड है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए. चलिए, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है
तो वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस। ओके, तो आपके पास क्या जनरेट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको सी, इसके साथ H अटैच हो गया है ना, ये वाला H, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, और ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यही क्वेश्चन था, यही था ना, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने बना दिया कार्बोकैटायन अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ, अब ये एरो यहाँ पर गया तो ये वाटर बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है, अब इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। चलिए तो ये देखते हैं सी एच सी, और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, इस पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भाई, वाटर के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस रिएक्शन में, तो वाटर ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए तो वाटर यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये रहा आपका प्रोडक्ट सी, यहाँ पे एच सी ओ एच एच है ना, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दिए हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, लास्ट स्टेप क्या है, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। तो हमें एक प्रोटोन अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, तो चलिए वो स्टेप भी देख लेते हैं, सी एच है यहाँ पे, यहाँ पे O और H है, और यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीच का कार्बन खा गए हैं हम, तो वापस कार्बन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था H3O+ से, जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो आपका कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, वो जिस तरह से आपने डाला है उसी तरह से बाहर निकल जाना चाहिए। तो यहाँ से H3O+ जनरेट करने के लिए हम इस स्टेप में भी वाटर का इस्तेमाल करेंगे, वाटर के पास क्या है भाई, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर इस H को ले रहा है और ये H अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे रहा है, और क्या बना रहा है भाई, देखिए C, हियर यू हैव H, देन अगेन यू हैव C, एंड देन यू हैव O विथ H, है ना, तो ये आपका हो गया और इसके दो बॉन्ड होंगे बाई, तो इस तरह से आपका अल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया, H3O+ plus H3O+, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को थ्री स्टेप में आप एरो के साथ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं तभी उसे मैकेनिज्म कहा जाता है। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप सब बाइफरकेट किए बिना मिक्स करके लिख दिया होता आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर टू पे, फ्रॉम चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एग्जैक्टली पहले मैकेनिज्म का उल्टा है, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी की बुक बैक एक्सरसाइज में भी है, 2016 के ऑल इंडिया पेपर में भी आया है। इंपॉर्टेंट क्या है उसके, उसमें आप क्या कर रहे थे, अल्कीन से अल्कोहल बना रहे थे बाई एडिंग वाटर। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्कीन, आप अल्कीन फॉर्म करेंगे अल्कोहल से बाय रिमूवल ऑफ वाटर। तो यूजुअली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या राइट द मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन। चलिए रिएक्शन देखते हैं, आप सिंपल कोई भी अल्कोहल लिख लीजिए, एच प्लस, यानी कि आपका एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो एच प्लस होना ही चाहिए, आप उसको हीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, अल्कीन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन, अगर आपके पास C2H5OH है, आपने देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर 413 केल्विन रखा तो आपको ईथर मिलता है, वो भी मैकेनिज्म हम करेंगे इसके बाद। तो 443 केल्विन पे अगर आप एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो अल्कोहल का एलिमिनेशन होता है और वो देता है आपको अल्कीन अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलिए तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, थ्री स्टेप मैकेनिज्म, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अल्कोहल ले लीजिए CH3CH2OH, बहुत ही सिंपल है बच्चा, आप एसिड कैटलाइज रिएक्शन ले रहे हैं तो H+ लेंगे प्रोटोनेशन करने के लिए, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इस H+ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्या बनाएगा, CH3CH2OHH, अब ये बन गया प्लस, तो अल्कोहल कैसा हो गया, प्रोटोनेटेड, यानी हमने एक प्रोटॉन ऐड किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल हो गया।
सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है उसे ही कैरी फॉरवर्ड करिए, CH3CH2OHH विद दिस प्लस, है ना. क्या करेंगे, पर प्लस हाईली अनस्टेबल होगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बनाएगा, CH3CH2 विथ पॉजिटिव अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना. चलिए तो आपके पास ये आ गया कार्बोकेटाइन. अब इस कार्बोकेटाइन से आपको अल्कीन बनाना है. कैसे बनाएंगे देखिए, तो मैं इसके सारे बॉन्ड्स लिख देती हूँ. CH3 हो गया ये, फिर है CH2, तो ये हो गया आपका CH2 और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. बहुत ही सही है, कहीं पे भी ये जो H है ना, अगर ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है तो इसके पास क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो क्या करेगा, इस नेगेटिव को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डोनेट कर देगा और फिर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH2, ये दोनों H रह गए, बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड आ गया और फिर CH2 यहां से H प्लस निकल गया, जो एज अ कैटलिस्ट जिससे आपने स्टार्ट किया था वो एंड में बाहर निकल गया. तो ये हो गया आपका प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स. द बेस्ट थिंग इज आप बैठ के लिख के प्रैक्टिस कीजिए. एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर 443 केल्विन होगा तभी रिएक्शन एलिमिनेशन करेगा, ठीक है. ये एलिमिनेशन है, अगर एलिमिनेशन नहीं होता है, टेम्परेचर 413 केल्विन है तब क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी में मैकेनिज्म के फॉर्म में दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं, तो आ जाते हैं थर्ड मैकेनिज्म पे. लेट मी टेल यू, ये तीनों मैकेनिज्म बहुत ही इंटरकनेक्टेड थे, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरे के ऑपोजिट और तीसरा सिर्फ टेम्परेचर लो करके आपको ईथर मिल गया, ठीक है. तो याद क्या रखना है, अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कीन दे रहा है और लो टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथर दे रहा है. क्या सिर्फ एक यही फैक्टर है जो इसे डिटरमाइन करता है, नहीं. तो क्या डिटरमाइन करता है, अगर आप हाई टेम्परेचर लेते हैं तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है. सिर्फ यही चीज नहीं, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका टेम्परेचर लो है और आपका अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है वो अनहिंडर्ड है, शांति से सोचिए, आपके पास है SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, अगर वो अच्छे से किया है, नहीं किया तो लिंक में जाके पहले वो देख कर आइए तो ज्यादा समझ में आएगा. तो आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है. हमने जो मैकेनिज्म 2 किया, ठीक है, मैकेनिज्म 2 किया, उसमें क्या बना रहे थे हम, कार्बोकेटाइन बना रहे थे. तो कार्बोकेटाइन जहाँ बनता है वहाँ मैकेनिज्म SN1 फॉलो होता है और वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पर, ठीक है. SN2 किस पर डिपेंड करता है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल होगा, हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तब SN2 फॉलो होगा. तो प्राइमरी अल्कोहल है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तब SN2 फॉलो हो सकता है. यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लो टेम्परेचर एंड अनहिंडर्ड अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर. अगर आपको SN1 SN2 नहीं आता है, यहाँ की बात आपको समझ नहीं आएगी, जाके पहले वो समझ लीजिए. उन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ या फिर यहाँ पे कार्ड में प्रोवाइड कर दे रही हूँ और है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो दोनों मैकेनिज्म भी. चलिए तो अब मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन करिए, ये तो पिछले मैकेनिज्म जैसा कॉमन स्टेप है. तो ये हो गया, हर मैकेनिज्म में पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही होता है ऑलमोस्ट. तो CH3CH2O और यहाँ पे H, सीधी सी बात है लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के पास है तो यही इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे अटैच करवाएगा और खुद पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन उसने दान में दिए हैं. ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द बैक साइड. तो आपके पास बन गया है CH3. अब न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है इस रिएक्शन में, एक अल्कोहल ही प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा. तो मान लीजिए आप जो रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग है उसमें अल्कोहल तो होगा ही ना, और कुछ अल्कोहल ऐसे होंगे जो प्रोटोनेटेड होंगे. तो CH3CH2OH, ये सिंपल अल्कोहल ले लिया मैंने और ये किस पे अटैक करेगा, अभी जो हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया यानी कि CH3CH2OHH और यहाँ पे प्लस था, है ना. तो होगा क्या, देखिए ये आके इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बाहर निकल जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा देखिए, तो CH3CH2OH ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा और ये इधर से बाहर निकल जाएगा. तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आया, CH3CH2 ये हो गया OH
और ये CH2 से कंबाइन हुआ है, तो CH2 CH3, और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, वाटर, सिंपल है, ओके। एंड लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन, तो आपके पास है CH3 CH2 OH CH2 CH3, सिंपल, ये ओपे पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिया और शांति से बाहर निकल गया, CH3 CH2 O CH2 CH3 plus H plus, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द mechanism, इज इट क्लियर? ओके, सो आई होप यू आर क्लियर कि किस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे आप, ओके okay? अगर क्लियर नहीं है तो एक एग्जाम्पल देख लेते, चलिए तो आपके पास ये दो रिएक्शन है, अब इनके प्रोडक्ट लिखने हैं। मैंने क्या बोला था, लो टेम्परेचर एंड अनहिंडर्ड एल्काइल ग्रुप फेवर्स ईथर फॉर्मेशन, तो टेम्परेचर लो है, अनहिंडर्ड एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, ईथर के केस के लिए ये सही है। यहाँ पे क्या है, हिंड्रेंस है, तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH3, ये C, यहाँ पे CH2 लिख दीजिए डबल बॉन्ड, और ये वाला एज इट इज CH3, यानी कि क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, वेरी सिंपल, ओके, वाटर के रिमूवल के साथ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है सबसे डिफिकल्ट पार्ट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, तो इसे शांति से समझिएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको यहाँ से, जो कि कई बार कंप्लीट द रिएक्शन में आपको काम आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ, लेकिन लेट मी टेल यू, रिएक्टिविटी HI और HBr के साथ ज़्यादा होती है, इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म के ऊपर, तो रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, राइट द मैकेनिज्म ऑफ ईथर विथ HI, ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। और अगर अलग तरह से पूछा तो क्या पूछ सकते हैं, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, ओके। चलिए देखते हैं, ROR with HX gives ROH plus RX, ये तो सिंपल रिएक्शन है, एक जगह से ब्रेक करिए, RO को H के साथ और एक को X के साथ अटैच कर दीजिए, जब आपका ईथर सिमेट्रिकल है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन हर बार अल्काइल ग्रुप सेम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका R ग्रुप डिफरेंट है, तो दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, एक तो R-OH बन सकता है और RX बन सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि किधर बॉन्ड ब्रेक होगा, तो किस साइड पे, ये R-OH के साथ जाएगा, ये R-X के साथ जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो लेट मी टेल यू किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपका HI है, ठीक है, तो रिएक्शन यूजुअली SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म भी किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में फॉलो करता है, जब ये आपके पास जो O है उसके दोनों साइड पे, शांति से सुनिएगा, उसके दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अगर वो देखिए, अगर मेरे पास CH3 O CH2 CH3 है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इफ़ 1 degree और 2 degree अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, देन लोअर अल्काइल ग्रुप फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट के हिसाब से और SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस तरफ अटैक करता है जिस साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगता है। तो आपके पास ये जो O है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 है, तो जाहिर सी बात है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, यानी I जो है वो इसके साथ जाएगा, तो आई अगर इसके साथ जाएगा तो ये वाला क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन सिर्फ इतना समझने वाली बात नहीं है ये पर्टिकुलर रिएक्शन में, क्या है वो हम एक एक करके देखते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म कर ले। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, ठीक है, तो हमारा ईथर है CH3O CH2 CH3, हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे,
प्रोटोनेशन करने के लिए हमारे पास HX है, यानी HI ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास होंगे उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे H के पास, I माइनस बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, CH3O, CH2, CH3 और O के साथ हो गया अटैच H और O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ है, I माइनस जनरेट हुआ है। I माइनस बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, चलिए तो बैक साइड से अटैक करना चाहेगा, और हमारे पास है कौन सा स्पीशीज अटैक झेलने के लिए, CH3OH, CH2, CH3, करेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, SN2 मैकेनिज्म का न्यूक्लियोफाइल वो रास्ता प्रेफर करेगा जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उसको यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिल रही है तो वो यहाँ से जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर वो यहाँ से जाएगा तो बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, और अगर बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा, देखिए। सो फॉर अ मोमेंट, आपको पता है कि SN2 में फॉर अ मोमेंट इंटरमीडिएट जनरेट होता है, यानी कि ये CH3 धीरे धीरे बॉन्ड स्टैब्लिश करने लगा आई के साथ, और ये वाला जो ग्रुप है वो धीरे धीरे दूर जाने लगा, है ना। ये हम इसी तरह से दिखाते हैं, ये डैश लाइन के थ्रू, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, CH3I प्रोडक्ट बन गया, और इधर क्या बन गया, CH3 CH2OH, क्लियर है। ये किस केस के लिए, अगर आपका अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप दोनों साइड है, अगर उसमें से एक अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री या 2 डिग्री है, उस केस में आई छोटे वाले ग्रुप के साथ जाएगा और OH बड़े वाले ग्रुप के साथ जाएगा। लेकिन 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 अगर आपका जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो 3 डिग्री निकला, तो डेफिनेट सी बात है आई माइनस 3 डिग्री वाले के पास जाए। सिचुएशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और आई माइनस की प्रेजेंस में कब रिएक्शन SN1 फॉलो करती है और कब रिएक्शन SN2 फॉलो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है HI और हमें पता चल गया है कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैंने बोला था कि अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो आई माइनस SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा एज कम्पेयर टू SN2, और तब आई माइनस जाके इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में, CH3 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 I, प्लस क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और वहाँ पे आके आई माइनस अटैच होगा अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी और अल्कोहल क्या बनेगा, CH3OH, वेरी क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, याद रखिए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। C6H5OCH3 आने कौन वाला है, I माइनस। ज़रा ध्यान से देखिए बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना आसान होगा, ये है आपका C6H5 ग्रुप, यानी कि ये कैसा होगा, रिंग होगा, और आपको पता है कि रिंग है और यहाँ पे है पाई बॉन्ड, मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर किस में घुस सकता है, रेजोनेंस में, और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो ये वाले बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा क्या, नहीं। तो कौन सा इजी होगा ब्रेक करना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना इजी होगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा CH3I प्लस C6H5OH। आई होप यू आर क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, CH3CH2CH CH3CH2O CH2CH3। सीधे तरह से देखने जाएं तो ये वाला भी 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री जैसा ही है, 3 डिग्री कोई है ही नहीं। तो जब 1 डिग्री और 2 डिग्री का केस हो तब I माइनस उस ग्रुप के साथ जाएगा, तो आ जाएगा जो कि छोटा है, तो हमारे पास है CH3CH2I प्लस CH3CH2CH CH3CH2OH। हमेशा याद रखना है जहाँ पे भी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आया या फिर बेंजाइल कंडीशन आई, अलीलिक एंड बेंजाइलिक कंडीशन, तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बेंजीलिक कार्बोकेटाइन एंड अलीलिक कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ओके।
चलिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताइए फट से। नो डाउट ये प्राइमरी है, पर यहाँ पे 3 डिग्री आ गया। आई जहाँ पे 3 डिग्री देखता है सबको भूल के 3 डिग्री के पास चला जाता है। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OH + CCH3 thrice with I, ये वाला ग्रुप यहाँ पे I अटैच हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे H। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल लॉजिक लगाइएगा। ओके देखिए H I आ रहा है, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना इजी होगा, यहाँ से हाँ या यहाँ से। तो आपको पता है कि अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं आप, तो ये जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इफ़ यू कैन रिमेम्बर, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आसान होगा, और इसीलिए हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH2I+ This one is your phenol, okay? I hope you are clear. तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये आया यहाँ से कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री या बेंजाइल कहीं नहीं दिख रहा है, तो आई छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। जहाँ पे पिक्चर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप या बेंजाइल आया तो आई माइनस उसका हो जाएगा और SN1 फॉलो करेगा। आई होप यू आर क्लियर। तो ये हो गए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के सारे मैकेनिज्म, यहाँ तक कवर हो गए। अब है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है और किसी का दिया नहीं है। अमाइंस में कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो यू आर सॉर्टेड। SN1 करिए, SN2 करिए, और इस वीडियो के जितने मैकेनिज्म मैं करा रही हूँ उतने कर लीजिए, यू आर सॉर्टेड विद द मैकेनिज्म। लेते हैं फट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये आपका सिंपल कार्बोनिल ग्रुप है, फ्रंट साइड से बी अटैच है, बैक साइड से ए अटैच है। आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आ रहे हैं, सीधी सी बात है, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, और फिर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, और फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सी, एंड दिस इज योर बी, एंड दिस इज योर ए, एंड दिस साइड इट इज ओ नेगेटिव, एंड देन न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अटैच टू इट। ओके, और फिर नेक्स्ट आता है H प्लस आ जाएगा, प्रोटोन ट्रांसफर होगा, और सिंपल C विथ A, देन दिस इज योर B, और यहाँ पे O के साथ H चला जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ये चीज़ सिंपल होने वाली है, कोई भी रिएजेंट आपको दिया जाए यही करना है। तो अगर मुझे कार्बोनिल ग्रुप में HCN ऐड करना है तो क्या करूँगी, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और HCN है, तो पहले आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कैरी आउट किया जाता है, बिना बेस, बेस किसकी तरह एक्ट करता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर की तरह। प्रोटोन अगर HCN में से चला गया तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, HCN को ट्रीट किया OH माइनस से, तो आपको मिल गया CN माइनस प्लस H2O, है ना। अब ये CN माइनस आके अटैक करेगा इस पर, तो ये O नेगेटिव, ये C पॉजिटिव, और CN माइनस ने आके अटैक किया बैक साइड से, ये लीजिए आपका प्रोडक्ट बना C, इधर CH3, इधर CH3, इधर O नेगेटिव, और ऊपर क्या हो गया CN, और फिर कौन आया, प्रोटोन यानी कि H प्लस, तो वो आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, ख़त्म, आपका प्रोडक्ट बन गया। सिंपल, NaHSO3 के साथ भी वही होगा। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव पार्ट, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मान लो कोई भी ग्रुप अटैच है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, HSO3 माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, HSO3 माइनस आके इस पर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा C, ठीक है, C के दोनों बॉन्ड इधर बना दीजिए, और एक O है, और ऊपर HSO3 हो गया, और फिर कौन आएगा, यहाँ पे O के साथ Na अटैच हो जाएगा, फिर H प्लस आएगा, तो C, ये हो गया OH, और ऊपर हो गया SO3 Na, इस तरह से आपका प्रोडक्ट हो गया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसका एडिशन। बस इतने मैकेनिज्म आप कर लीजिए, ठीक है, SN1, SN2, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, या फिर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, या फिर लो टेम्परेचर पे अल्कोहल से ईथर बनाना,
या फिर HI के साथ रिएक्शन करके आप प्रोडक्ट में जो वेरिएशन आता है वो, और फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके अलावा कोई मैकेनिज्म NCERT में डिटेल में नहीं दी है, तो आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है और इनके मैकेनिज्म याद रखने हैं। आई होप कि ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया है, और बहुत हेल्प किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कोई क्वेरी है और आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉब्लम। टिल देन थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज विथ यू। प्रिपेयर वेल, स्टडी वेल, जितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं करिए। जहाँ पे क्वेरी आती है अपने टीचर से पूछिए, स्कूल के टीचर से पूछिए। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन कीजिए। चलिए बाय बाय।